गाइस, माय नेम इज़ मोनिका एंड वेलकम बैक टू माय चैनल पहाड़ी ब्यूटी। गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ एक पील ऑफ मास्क जो कि बहुत ही इजी है लगाने में और इससे निकालने में बिल्कुल भी पेन नहीं होता है, इसीलिए मैं इस चीज़ को यूज़ करती हूँ। और गाइस, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि ये सिर्फ हमारे फेशियल हेयर को निकालने में ही हेल्पफुल नहीं है, इसके अलावा ये हमारे फेस से ब्लैक हेड और वाइट हेड को भगाने में भी काफ़ी हेल्पफुल है। और इसके अलावा गाइस, जो हमारी स्किन थोड़ा लूज़ हो जाती है ना, उसको टाइट करने में भी काफ़ी हेल्पफुल है। साथ ही मैं किस पील ऑफ मास्क की बात कर रही हूँ गाइस, मेरा जो होममेड पील ऑफ मास्क है वो है ये। जी हाँ गाइस, ये मेरा होममेड पील ऑफ मास्क है और अभी अभी मैंने इस मास्क को यूज़ किया है और आप देख सकते हो ये कुछ इस तरीके का है। तो ये पील ऑफ मास्क कैसे बनता है, इसे बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। इसके लिए हमें सिर्फ और सिर्फ एक एग चाहिए और कुछ टिश्यू पेपर चाहिए और उसके अलावा एक ब्रश चाहिए, बस। इसके अलावा हमें और बता दूँ, ये जो मेरा एग पील ऑफ मास्क है ना, ये बहुत इफ़ेक्टिव है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप इसे फर्स्ट टाइम यूज़ करोगे और उसके बाद ही आपको इसका रिज़ल्ट देखने को मिल जाएगा। रिज़ल्ट आपको देखने को मिलेगा एक मंथ बाद, क्योंकि आपके कंप्लीट हेयर ये नहीं निकालेगा फर्स्ट टाइम यूज़ में, लेकिन ये आपकी स्किन को ग्लोइंग बनाएगा और साथ ही साथ आपके वाइट हेड और ब्लैक हेड्स को जरूर रिमूव करेगा। अभी आप मेरे स्किन में देख रहे हो ना, मैंने जस्ट इसे यूज़ किया है और उसके बाद आमंड ऑयल यूज़ किया है और उसके बाद फिर से लिपस्टिक यूज़ किया है, दैट्स इट। इसके अलावा मैंने अपनी स्किन पर कुछ भी और यूज़ नहीं किया है और मुझे मेरी स्किन काफ़ी सॉफ्ट लग रही है और हल्की सी ग्लोइंग भी लग रही है। तो फर्स्ट टाइम पर ये सिर्फ इतना ही वर्क करेगा, लेकिन आपको इसे वीक में दो बार यूज़ करना है। और वीक में दो बार यूज़ जब आप इसे करोगे ना, तो वन मंथ में आपके हेयर्स जो हैं वो बहुत कम हो जाएंगे और धीरे धीरे करके जब आप इसे रेगुलर यूज़ करते रहोगे तो आपकी जो हेयर ग्रोथ है ना, वो ही बिल्कुल कम हो जाएगी। तो इस तरीके से ये वर्क करेगा। प्लीज़ आप ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि फ़र्स्ट टाइम आपने इसे यूज़ किया है और फर्स्ट टाइम में ही ये आपके सारे हेयर को गायब कर देगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जितनी भी होममेड चीज़ें होती हैं वो धीरे धीरे करके ही अपना वर्क करती है, लेकिन वर्क ज़रूर करती है और उसका जो इफेक्टिव होता है ना, वो बहुत अच्छा होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि इससे नुकसान कुछ भी नहीं है। तो चलिए, मैं ज़्यादा बात नहीं करती हूँ और अपना वीडियो स्टार्ट करती हूँ। चलिए, लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइज, आप सबसे पहले एक एग का वाइट पार्ट ले लीजिए और उसको एक बाउल में ले लीजिए और फिर उसे आपको बहुत अच्छी तरीके से फेंटना है और वो उसके बाद कुछ इस तरीके का दिखेगा। उसमें लंग्स नहीं रहेगी और वो ईजी हम उसे अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, अब इसे लगाना स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, ये कुछ इस तरीके का हो गया है और अब इसे आसानी से हम अपने फेस पे लगा सकते हैं। तो आप एक ब्रश ले लीजिए और ले लीजिए फिर कुछ टिश्यू पेपर, दैट्स इट। और आप अपनी ब्रश की सहायता से आप इसे अपने फेस पे लगा लो। गाइस, एग जो है वो प्रोटीन का एक बहुत ही अच्छा सोर्स होता है और ये हमारे फेस में जो ओपन पोर्स होते हैं उन्हें श्रिंक करने में भी काफ़ी हेल्प होता है, हमारी स्किन को टाइट करता है, फेस से डार्क स्पॉट और रिंकल्स को रिमूव करने में भी काफ़ी हेल्पफुल है। दोस्तों, एग का जो वाइट पार्ट होता है ना, उसका यूज़ काफ़ी ब्यूटी प्रोडक्ट्स में किया जाता है, तो एक बार आप इसे ज़रूर यूज़ करें। तो आप टिश्यू पेपर को आप छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लीजिए और उसके बाद उसे अपने फेस पर इस तरीके से लगा लीजिए, बहुत आसानी से आपके फेस पे चिपक जाएगा। एंड गाइस, इसकी दो से तीन लेयर आप आसानी से लगा सकते हैं। अगर आपके ज़्यादा फेशियल हेयर है या फिर ज़्यादा ब्लैक हेड है तो आप दो से तीन लेयर आप आसानी से लगा सकते हैं, लेकिन ये मेक श्योर कर लीजिएगा जब आप फर्स्ट लेयर लगा रहे हैं तो उसको थोड़ा सा ड्राई होने दीजिएगा। अगर दो तीन मिनट वो ड्राई नहीं होगा और उसके ऊपर से आप सीधे दूसरा लगा लोगे तो वो उतना अपना इफ़ेक्ट नहीं दिखाता है। तो अभी देखिए, मैंने ड्राई किया वो एंड उसके बाद मैं लगा रही हूँ फिर से एग का वाइट पार्ट। पूरा कंप्लीट आपको अपने फेस पे दोबारा से एग का वाइट पार्ट लगाना है एंड उसके बाद और टिश्यू पेपर लेके उसके ऊपर से आप लगा लीजिए। तो मैंने भी दो से तीन लेयर लगाई है, आप भी दो तीन लेयर आराम से लगा सकते हैं। तो अभी ये हो गया है कंप्लीट, मैंने लगा लिया है और अब इसे करना है ड्राई।
तो जब ये ड्राई हो जाएगा उसके बाद ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। दोस्तों प्लीज़ पूरी तरीके से इसे ड्राई किए कर लीजिएगा, तभी अच्छी तरीके से पील ऑफ होगा और इसका जो फ़ायदा है वो आपको मिल पाएगा। आपका भी इसी तरीके से पूरा ड्राई होना चाहिए। उसके बाद आप नीचे नेक से इसे धीरे धीरे करके निकालने की कोशिश कीजिए। ये बहुत आसानी से निकल जाता है और इसे निकालने दर्द भी नहीं होता है। अगर ये पूरा एक साथ ना निकल पाए तो कोई बात नहीं है, आप छोटे छोटे पीस करके भी इसे निकाल सकते हैं। आप इसे नीचे से जब निकालेंगे ना तो ये निकल जाता है आसानी से। बस धीरे धीरे करिएगा दोस्तों। और ये देखिए अभी ये आधा निकल चुका है एक साइड से, और उसके बाद मैं अपनी नोज से भी इसे निकाल दूंगी। और ये देखिए अब मैंने इसे कंप्लीट हटा दिया है। और देखिए गाइस, इसे निकालने के बाद मेरी स्किन कितनी ज़्यादा ग्लोइंग कर रहा है, मेरा फेस कितना अच्छा ग्लो कर रहा है। जब आप फर्स्ट बार इसे यूज़ करोगे ना आपको बहुत अच्छा लगेगा। बस फेशियल ईयर के लिए आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा एंड 1 मंथ तक तो आपको यूज़ करना ही पड़ेगा। इसके बाद कर लीजिए फेस वॉश। और ये देखिए, ये मैंने एक साथ निकाल लिया था तो ये कंप्लीट मेरा पील ऑफ मास्क। अगर आपसे पूरा नहीं निकल पाता तो आप छोटे छोटे पीस कर में इसे निकाल लीजिए। और इसके बाद हम लगाएंगे अपने फेस पे आमंड ऑयल। आप चाहे तो एलोवेरा जेल भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप इस तरीके से थोड़ा सा आमंड ऑयल ले लीजिए और उसके बाद थोड़ा सा उसे अपने हाथों पे रख दीजिए और उसके बाद उसे अपने पूरे फेस पे लगा लीजिए। बहुत ही अच्छी रेमेडी है, बिल्कुल नेचुरल है। तो एक बार आप इसे ट्राई करें। और गाइस, इसे सभी स्किन टाइप पर यूज़ कर सकते हैं। और प्लीज़ इसे नाइट में ही यूज़ कीजिएगा, तभी आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा। तो ये था मेरा आज का वीडियो, होप कि आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय गाइस।